हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव टेक स्मार्ट में। आज आपके लिए सोनी की एलईडी की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। एक नॉर्मल एलईडी आपको देखने को मिलेगी और एक बजट एलईडी आपके लिए रहेगी। अगर आप इसे नॉर्मल एलईडी को परचेज करना चाहते हो तो इसी वीडियो में आप बने रहिए। आपको कम्प्लीटली डीपली मैं इसे अनबॉक्सिंग करके आपको बताऊँगा इस एलईडी के अंदर। और इस एलईडी का जो मॉडल है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, KLV32R202F आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसका मॉडल बॉक्स पे जो MRP दी हुई है वो 25,900, लेकिन ये मार्केट में आपको 16,000 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सोनी ब्राइवो की एलईडी अपने को देखने को मिलेगी और जो इसके मेन हाईलाइट फीचर्स हैं वो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। ये एलईडी टीवी एचडी है और इसमें आपको क्लियर रेजुलेशन इनहेंसर यहाँ आपको देखने को मिलेगा। वही यहाँ आपको मिल रहा है इसमें सुपर यूएसबी मल्टीमीडिया फॉर्मेट। आप इसमें यूएसबी से यहाँ आपको मल्टी सपोर्ट यहाँ देखने को मिलेगा। और तो फ्रेंड्स, करता हूँ मैं इस एलईडी की अनबॉक्सिंग और देखते हैं बॉक्स कॉन्टेंट में अपने को क्या क्या देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैं एक एक करके इसके कंपोनेंट्स बाहर निकाल रहा हूँ एलईडी के। और ये यहाँ मिल जाता है अपने को एलईडी स्टैंड। और इसकी क्वालिटी मेरे को कुछ अच्छी यहाँ देखने को नहीं मिल रही है, बिल्कुल नॉर्मल क्वालिटी का ये मेरे को देखने को मिल रहा है। और साथ में मिलते हैं इसके चार्जर एडाप्टर, ये अपने को देखने को मिल रहा है। 19.5 वाट का ये अपने को चार्जर एडाप्टर है। और ये अपने को मिल जाते हैं रिमोट, ये देखो यहाँ अपने को सोनी का रिमोट देखने को मिल रहा है। और काफ़ी यूनिक डिजाइन यहाँ मेरे को देखने को मिल रही है इसकी रिमोट की। और अगला बढ़ता हूँ मैं, यहाँ मिल जाता है अपने को यूज़र मैनुअल। इस मैनुअल को आप अच्छे से रीड करके अपने एलईडी को इंस्टॉल कर सकते हो। और फिलहाल मैं इनको रखता हूँ साइड में और देखते हैं। यहाँ मिल जाता है अपने को वारंटी कार्ड सोनी का। और ये है इसके साथ पावर केबल और सेल के साथ अपने को मिलती है यहाँ बैटरी। यहाँ मेरे को केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी को यहाँ देखने को मिल रही है। और ये मिल जाते हैं सेल और ये इसके बेसिक से यूजर मैनुअल है। और फिलहाल मैं एलईडी को निकालता हूँ बाहर। मैं फ्रेंड्स इसके बैक पैनल की यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ आप सकते हो पावर एडाप्टर यहाँ चार्जर का। और साथ में दिया हुआ है वीजीए पोर्ट। बहुत सारी आजकल एलईडी के अंदर वीजीए पोर्ट बंद हो गया है, लेकिन इस एलईडी में अगर ये वीजीए पोर्ट मिला है तो ये काफ़ी अपने लिए एक फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आप एक नॉर्मल से नॉर्मल पीसी को भी आप इसमें चला सकते हो। और ये है ऑडियो वीडियो की केबलें। और ये वाला पोर्ट आजकल बंद कर देना चाहिए क्योंकि एंटीना का सिस्टम तो ख़त्म ही हो गया है। यहाँ आपको मिल जाती हैं दो HDMI के पोर्ट और एक मिल जाता है आपको USB पोर्ट।
और आप यहाँ से ये देखो, ये है ऑडियो आउटपुट। यहाँ से आप अपने हेडफोन के लिए और अपने बूपर के लिए यहाँ से आप आउटपुट ले सकते हो। और यहाँ लगा सकते हो आप वॉल माउंट, जो कंपनी के द्वारा आप इंस्टॉलेशन जब एलईडी को कराओगे तब आपके लिए यहाँ वॉल माउंट लगा सकते हो और वो आपके लिए फ्री रहता है। और इसमें 10 वाट के दो स्पीकर यहाँ दिए हुए हैं, ये देखो, ये 10 वाट के स्पीकर, एक सिंगल स्पीकर यहाँ है और दूसरा यहाँ आपने को देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी टेस्ट कराना चाहता हूँ, तो कैसी क्या क्वालिटी रहेगी। ये देखो, मैं इसमें सोर्स पे क्लिक कर रहा हूँ और HDMI पोर्ट। तो फ्रेंड्स, आपके सामने वीडियो क्वालिटी की चली रही है, और वीडियो क्वालिटी क्या बताऊँ, बहुत अच्छी मेरे को यहाँ वीडियो क्वालिटी देखने को मिल रही है। और मैं देखता हूँ सोनी की 16,300 रुपये की LED के अंदर ऑडियो क्वालिटी कैसे अपने को देखने को मिलती है। तो फिलहाल मैं आपको इसमें ऑडियो क्वालिटी टेस्ट कराने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये है सोनी की 20F मॉडल है, और मैंने आपको इसमें वीडियो क्वालिटी टेस्ट कराई। वीडियो क्वालिटी क्या बताऊँ, बहुत मेरे को लाजवाब यहाँ देखने को मिल रही है। और जो इसकी ऑडियो की क्वालिटी है, समझ में नहीं आ रहा है 16,300 रुपये में सोनी इतने बेस्ट बूपर इसमें मेरे को कैसे देखने को मिल रही है। LED के अंदर मेरे को बूपर जैसा ऑडियो यहाँ देखने को मिला है, और मैंने आपको ऑडियो की टेस्टिंग कराई, क्या बताऊँ, बहुत लाजवाब मेरे को यहाँ ऑडियो इसका देखने को मिल रहा है। और जो प्राइस है वो भी मेरे को यहाँ बहुत कम देखने को मिल रही है, 16,300 रुपये में यह मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर आप इसे होम यूज के लिए लेना चाहते हो तो काफ़ी अच्छी LED रहेगी, लेकिन ये केवल एक नॉर्मल LED रहेगी। इसमें VGA पोर्ट भी दिया हुआ है, 2 HDMI के पोर्ट हैं और एक USB पोर्ट है आपको देखने को मिलेगा। आप इसे कैमरों में भी आसानी से इसे लगा सकते हो। इस LED के अंदर VGA पोर्ट भी यहाँ देखने को मिल रहा है मेरे को। आपके पास अगर नॉर्मल कंप्यूटर भी रहेगा तो वो भी आप इसमें आसानी से आप इसे चला सकते हो। और 10 वाट के इसमें आपको दो स्पीकर देखने को मिलेंगे, जिनका टोटल आउटपुट 20 वाट है, लेकिन ये मेरे को 20 वाट के स्पीकरों से बहुत ज़्यादा आवाज़ मेरे को यहाँ देखने को मिली है।
क्योंकि सोनी का ब्रांड इसीलिए जाना जाता है। अगर आप एक नॉर्मल एलईडी परचेज करना चाहते हो तो आपके लिए काफी अच्छी रहेगी एलईडी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।